से कोशिश कर रहा हूँ यार रिकॉर्डिंग करने की यार, लेकिन ये इंडिया है ना, यहाँ पे लोग ना खुद आगे बढ़ेंगे ना किसी को आगे बढ़ने देंगे। और भाई क्या हाल चाल, सब ठीक है ना? तो फाइनली 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 एक तो नई मूवी देखने को मिली यार। वेब सीरीज देख देख के पक गया था यार मैं, मतलब इतनी ज़्यादा वेब सीरीज देख ली ना इन टाइम में, और एक भी मूवी देखने को नहीं मिली, लेकिन फाइनली आ गई है मूवी एक्सट्रेशन। मूवी की मेन लीड में है क्रिस हेम्सवर्थ और रणदीप हुडा। मैं और बाकी किसी की बात नहीं करूँगा यार, क्योंकि मुझे सिर्फ इन दोनों से मतलब है और इन्हीं दोनों के ऊपर मेनली मूवी फोकस है। डायरेक्टर है सैम हारग्रेव, जिन्होंने इसको बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट करा है, इसकी बात मैं आगे करूँगा। स्टोरी में है दो ड्रग माफिया, जहाँ एक है इंडिया में और दूसरा है बांग्लादेश ढाका में। आपको दोनों में दुश्मनी है। ढाका ड्रग माफिया डॉन उठवा लेता है इंडिया के डॉन के बेटे को। जानता हूँ बहुत ज़्यादा ही क्रीप है, बट इसीलिए तो वो विलन साइड का डॉन है। सिंपल सरल शब्दों में डॉन के बेटे को छुड़ाने के लिए भेजा जाता है एक आदमी को, जिसको हम सब जानते हैं क्रिस हेम्सवर्थ। और बाकी की स्टोरी यार आप आगे खुद ही मूवी में देख लेना, क्योंकि स्पॉइलर देके गाली थोड़ी ना खानी यार। स्टोरी जितनी इस तरह सिंपल है उतनी ही सरल सिंपल सही में, कोई घुमावदार स्टोरी नहीं है मूवी में। जितना सीधा मैंने बताया उतनी सीधी स्टोरी है, बस आगे की चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी मूवी में कि आगे क्या होता है। भाई इसका एक्शन मेन चीज़, इसका एक्शन है, जहाँ देखो वहाँ एक्शन, जैसे देखो वैसे एक्शन, शुरुआत से लेकर आखिर तक में बीच में कहाँ एक्शन नहीं है। मेन फोकस तो इसका एक्शन पे है यार, और इसका एक्शन इतना सही है यार, तुम लोगों को देख के मज़ा आ जाएगा। पैसा वसूल है, अगर ये मूवी थिएटर में लगती ना कसम से मज़ा ही आ जाना था ये मूवी देख के। पैसा वसूल मूवी होती है, लेकिन दुख वो भी नहीं लगी थिएटर में। इसके सारे एक्शन सीक्वेंस इतने ज़्यादा रियलिस्टिक लगते ना, और कैमरे के जो मूवमेंट रहती है जिस तरीके से इसको शूट करा गया है, वो एक चीज़ बहुत बढ़िया है और बिल्कुल रियल लगता है। ज़्यादातर गन शूटिंग के सीन्स है और ये चीज़ देखने को बहुत ज़्यादा स्पेशल लगती है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी देखने को मिलता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि क्रिस का ही एक्शन देखने को मिला है, रणदीप हुडा का भी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। और यार रणदीप हुडा ने यार सही में मेरे को इम्प्रेस कर दिया इस बंदे ने यार। पहले तो मैं इस बंदे को मानता ही था, लेकिन अब तो यार फ़ैन हो गया इस बंदे का यार मैं। सारे लोगों की एक्टिंग की बात नहीं करूँगा, मेनली जिन दो लोगों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं दोनों लोगों की एक्टिंग की बात करूँगा। क्रिस की एक्टिंग तो हम सभी जानते हैं लाजवाब, बट यार रणदीप हुडा ने जो यहाँ पे काम करा है ना यार, वो मेरे को इम्प्रेस कर गया, कसम से मज़ा आ गया यार। चाहे वो एक्शन के टाइम पे हो, चाहे वो ड्रामा के टाइम, ड्रामा वैसे कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं तो मैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मूवी में जब बीच का सीन आता है जहाँ पे एक्शन रुक सा जाता है, वहाँ पे यार मज़ा आ जाता है। बंदा यार फील करा देता है यार कि हाँ एक्टिंग तो है। मूवी में जो एक बहुत स्पेशल बात लगी यार, शुरुआत में जब तुम ध्यान से अगर देखोगे ना, मतलब मूवी को आगे बढ़ा के मत देखना, शुरुआत से बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना और वहाँ पे देखना कि म्यूज़िक जो तुम्हें सुनाई देगा ना, वो एक बेहतरीन काम है। म्यूज़िक साउंड जितने भी इन लोगों ने इंक्लूड किए, चाहे वो गन शॉट का ही साउंड हो, और बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट जगह पे उन्होंने दिया है, कहीं भी आगे पीछे नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ में जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वो है रियलिटी को उन लोगों ने बनाए रखा, कुछ भी ज़्यादातर दिखावा करने की कोशिश नहीं करी। मतलब कुछ एक्शन सीन्स में होता है कि काफ़ी ज़्यादा दिखावा टाइप में हो जाता है, वो नहीं रखा इन लोगों ने, एकदम रियलिटी टाइप में रखा है। ऐसा भी नहीं है कि बंदा वन मैन आर्मी है तो सबको ले डूबेगा एकदम से ही, उसको भी कुछ दर्द होता है क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है। मूवी में जो मुझे एक चीज़ की बस कमी लगी वो है बस एक स्टोरी की, लेकिन पूछ कौन रहा है यार, जब तक हमें ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा तब तक कोई नहीं पूछ रहा भैया, ना 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 ना। एंडिंग इसकी काफ़ी सिंपल और कमाल टाइप की दिखाई गई है। मैं आपको एक चीज़ जरूर से जिसको लास्ट का एकदम लास्ट सेकंड पे जो सीन रहेगा ना, उसे ज़रूर ध्यान से देखना, जो ब्लर है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो सीन बिल्कुल ब्लर है वो ज़रूर देखना, आपको एक क्लू मिलेगा उसमें। तो बिटवा इतना ज्ञान दे रहा, तो ये भी बता दो कि मूवी कैसी है या सिंपल शब्दों में मूवी का एक्शन एक नंबर, एक्टिंग एक नंबर। मेरे को खास बात जो इसमें लगी वो कैमरे की मूवमेंट, जिस तरीके से कैमरे को इसमें मूव कर गया वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, और साउंड एक नंबर, डायरेक्शन एक नंबर, कुल मिला के मूवी ज़बरदस्त। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों से बोलना चाहता हूँ यार,
ये जो मूवी है यार, मैं बिना स्पॉइलर के ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका फुल डिटेल एक रिव्यू दूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो कि हाँ भाई इसका फुल डिटेल रिव्यू चाहिए, मैं जल्दी इसका फुल डिटेल रिव्यू लेके आ जाऊँगा। और उस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आप सब लोगों को इसकी फुल डिटेल रिव्यू चाहिए या नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।